प्यारे बच्चों, आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में अध्ययन करेंगे। विजयनगर अर्थात विजय का नगर, यह भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण और समृद्ध शहरों में से रहा है। इसको हम हम्पी के नाम से भी जानते हैं। अब हम हम्पी के बारे में पढ़ेंगे। हम्पी की खोज 1800 ईस्वी में कोलिन मैकेंजी द्वारा की गई। हम्पी की खोज की गई। उन्होंने वीरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के जो पुरोहित थे उनकी समर्थियाँ इकट्ठी की और उसके आधार पर यहाँ खोजबीन की और इस शहर को खोज निकाला। यह भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण राज्यों में से एक अपने समय में रहा है। विजयनगर साम्राज्य जो था उसकी स्थापना दो भाइयों हरियर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की। इन्होंने 1336 ईस्वी में संगम वंश की स्थापना। इस संगम वंश ने 1336 से 1485 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद सुलु वंश के शासकों ने 1485 से 1503 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद तुलु वंश 1503 से 1542 तक सत्ता में रहा और इसका जो अंतिम वंश था अराविदु वंश, ये 1542 से 1565 ईस्वी तक सत्ता में रहा। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण तुलु वंश रहा। इसके समय में ये साम्राज्य अपनी उन्नति की समृद्धि की पराकाष्ठा पर था। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो रहा, जो भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण राज्य में माना जाता है, शासक माना जाता हुआ है, कृष्णदेवराय इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में, परोपकारी शासकों में माना जाता है। इसने इस वंश का पूरा, इस क्षेत्र का पूरा विकास किया। विजयनगर साम्राज्य इसके समय में अपनी उन्नति पर था। 1512 ईस्वी में कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र इसने प्राप्त किया। 1514 में इसने उड़ीसा को जीता। 1520 में इसने बीजापुर के शासक को हराकर उस पर अपना अधिकार किया। इसने अनेक मंदिरों का निर्माण किया। 1529 तक जब इसका निधन हुआ, जब तक यह साम्राज्य अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था, लेकिन इसके उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए और इसके बाद 1542 ईस्वी में अराधु वंश का शासन आया। 1542 में अराधु वंश का शासन आया, लेकिन 1565 ईस्वी में युद्ध हुआ जिसमें बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं ने तालीकोटा स्थान पर, यह युद्ध राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहलाता है, पराजित हुए। प्रधानमंत्री राम राय इसमें पराजित हुए 1565 ईस्वी में और इस वंश का, इस साम्राज्य का पतन हो गया। तो प्यारे बच्चों, इसमें बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे हम्पी की खोज कब हुई, हमें बिल्कुल याद रखना है, आ सकता है 1800 ईस्वी। हम्पी की खोज किसने की, कोलिन मैकेंजी हम्पी की खोज के लिए उत्तरदायी था। यह याद रख ले कि यह एक इंजीनियर और पुरातत्वविद दोनों था। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का भाइयों ने की। कब की यह भी हमें याद रखना, 1336 ईस्वी में, ये वंश संगम वंश कहलाता है। उसके बाद हमें चारों वंश याद होने चाहिए। संगम वंश कब से कब तक रहा, 1336 से 1485, सुलु वंश 1485 से 1503, तुलु वंश 1503 से 42 और वराहदास 1542 से 1565। इसके बाद कृष्णदेव राय के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं। इस वंश का सबसे प्रतापी साम्राज्य का प्रतापी राजा था कृष्णदेव राय। तेनालीरामा का नाम सुना होगा, वो इसी कृष्णदेव राय के शासन में था।
1542-12 में इसने रायचूर दुआब का क्षेत्र लिया। चेहरा भी तो आना चाहिए। 1514 में उड़ीसा का, 1520 में बीजापुर का इसने जीता, लेकिन इसके बाद ये वंश पतन की तरफ चला गया। राक्षसी तांगड़े का युद्ध हमें याद होना चाहिए 1565 में हुआ, किन के बीच हुआ, प्रधानमंत्री राम राय जो विजयनगर शासक का प्रधानमंत्री था उसके और बीजापुर कोलडूंगा और अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ, कालीकोटा पर था ये पराजित हुआ। तो प्यारे बच्चों आज हम इतना ही अध्ययन करें।